कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? राहुल गांधी अपने बेस्ट संस्करण लगातार बन रहे हैं, पहले की तुलना में वो बहुत बेहतर हुए हैं और बेहतर हो रहे हैं। 2024 में तो मुझे संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन 29 में हो सकता है कि वो एक बड़े दावेदार हों, और अगर होंगे तो अच्छा है। हम क्यों मान के चलें कि एक ही पार्टी हमेशा देश चलाएगी? अलग अलग नेता, अच्छे नेता आए पॉलिटिक्स में, देश को संभालें, इसमें क्या बुरी बात है, संभालना चाहिए जी। एक इल्ज़ाम भी लगता है विकास देवकीर्ति जी, इल्ज़ाम, हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है भाई, आप जनता पूछ रही है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। जब योगी जी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था, उस समय दो तीन उम्मीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने। हाँ, मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूंगा, मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि थी कि वो एक मठ वाले आदमी हैं और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एकाध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है कितना नहीं बचता है, इन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं तो बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के दो बड़े और चर्चित नेता, मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पहले लालू प्रसाद यादव, इन्होंने मेरी सुपारी ली है मुझे लगता है और आज ये मुझे मरवा के मानेंगे। अरे नहीं मेरा पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं और मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि वो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नए लोगों में तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो जो लालू जी के समय की बातें थीं कि जंगल राज होगा वो सब होगा, इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवि फिर से ना बन जाए, और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविष्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे जी। मैं, ये आखिरी प्रश्न है इस सत्र का, कई लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले और जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं, दोनों लोग एक सेमी गॉड से हो गए हैं, डेमी गॉड से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आईएएस नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया और आईएएस निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं। जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वायरल होती हैं, प्रशासनिक कार्यों से इतर वायरल होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जताई जाती है कि आप इन सब चीज़ों को लेके क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज़ को लेके, सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ को लेके, लबासना में ज़िंदगी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, और बहुत सारे छात्र हैं जो रात दिन ये रीलें ही देखते रहते हैं पढ़ाई छोड़कर। क्या कहेंगे इस पर? मतलब इस पर दो बातें हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स, टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं। कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि एक सामान्य समझ ये है कि हिंदी समाज पढ़ाई को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता है, एक सामान्य समझ ऐसी है और हमें भी लगता था, और मुझे ये बात हजारों बार कही गई है कि हिंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं। जब मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाले, लंबे वीडियो, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो भी, 6 घंटे का वीडियो भी डाला, तो मुझे यूट्यूब के धुरंधरों ने कहा कि 27 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे तो पिट जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की छोटा करूँ, मुझसे छोटा होता ही नहीं वीडियो, मैं विस्तार में ही बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का वो भी 2 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैं एक बात तो आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में मेरी धारणा ये बन गई है कि हिंदी का समाज भी ज्ञान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है जितना कोई भी सभ्य समाज होता है, और यदि और
और यदि मेरे जैसे कुछ लोग जिनमें मैं भी संयुक्त से शामिल हो गया हूं इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं तो ये स्वागत की बात है। नंबर वन, कोविड ने क्या किया कि जो वीडियोस पॉपुलर होते हैं उनके क्लिप निकाल निकाल के कई चैनल्स ने क्लिप्स डालनी शुरू की। मुझे मेरी टीम ने बताया कि करीब 40-50 हज़ार चैनल्स हैं जो हमारे क्लिप्स काट के चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हमने शुरू में एक्शन लिया एक दो बार, फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है, और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं अगर इससे रोज़गार बढ़ रहा है तो हमें क्या परेशानी है। अब उनका रोज़गार बढ़ा और लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया। मुझे कोविड के समय में मध्य प्रदेश जा रहा था कार से एक बार, वो जिंदगी का पहला ऐसा वाकया है, एक रिमोट गांव के अंदर पेट्रोल पंप छोटा सा, वहाँ कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं। वहाँ मैं उतरा, वॉशरूम गया और वॉशरूम में साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है आप विकास सर हैं? तो फिर हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। अब सोचिए हालत क्या हुई होगी उस समय। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? तो मुझे लगा ये कैसे जानता है मुझे। तो उसने बताया कि मैंने यूट्यूब पर आपको कई बार देखा है। उस दिन मुझे यूट्यूब की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन एक साल पहले तक केवल यूट्यूब में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही जनरली मुझे जानते थे, और ये जो मुझे कह रहे हैं कि आरोप लगता है उस आरोप की असली भागीदार यही हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से बाहर निकाल के एक इंटरव्यू लिया ललन टॉप पे। मैं बहुत अंतर्मुखी आदमी हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पिछले साल यहाँ भी नहीं आया था इसी अंतर्मुखी होने की वजह से। इन्होंने कहा कि आपको एक इंटरव्यू देना है हमारे ललन टॉप पे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। उसके बाद तो फिर अब आप जानते हैं, जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया। ये बात सही है, और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान देने लग गए हैं इस चक्कर में तो इसमें बुरा क्या है। पढ़ाई लिखाई की कीमत बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है, ठीक ही है भाई। एक एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नायकों में किन को रखता है। हम क्यों मान के चले कि तेज बॉल को जोर से बैट मारने वाला ही नायक है, एक बॉल को लात मार के गोल करने वाला ही नायक है, और एक रोल को एक्टिंग करके जी लेने वाला ही नायक है समाज का। समाज के नायक सैनिक क्यों नहीं है? समाज के नायक अध्यापक क्यों नहीं है? समाज के नायक वो क्यों नहीं है जो हम सबके घरों की सफाई करने के लिए सीवर के अंदर उतरते हैं? तो हमें किसी भी देश का स्तर इस बात से तय होता है कि वो समाज किसको नायक मानता है। मैं टीचर हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी समाज में अगर टीचर का सम्मान बढ़ता है तो समाज के लिए फायदे की बात है, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा है।